आप सबका अपने चैनल रहस्य 2M में स्वागत है। गाइज, इतिहास में पहली बार करने जा रहा हूँ मैं चित्रलेखा साधना, महासाधना करने जा रहा हूँ। गाइज, चित्रलेखा कौन है? खूनी वधू। आपने वीडियो यूट्यूब पर एड देखी होगी, खूनी वधू कौन है वास्तव में जानते हो? गाइज ये देखो, चित्रलेखा साधना करने के लिए मैंने क्या किया, आप ये देख सकते हो। अभी से मैंने इसको स्टार्ट करके रखा हुआ है क्योंकि आपका टाइम ना खराब हो और आपको पता चले रियलिटी में वो है कौन। उसको एक शराब मिला था, साधु ने उसको एक शराब दिया था। क्या शराब दिया था वो पता है? हर मर्द के साथ तुझे स्मोक करना पड़ेगा। उसने इस शराब से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी, मर गई थी वो। बट मरने के बाद उसकी आत्मा, जैसे कि कोई नई शादी करता है, नया कोई कपल है शादी करता है, उसकी जो औरत होती है, वाइफ होती है, उसके अंदर उसकी आत्मा प्रवेश करके उसके साथ आदमी के साथ स्मोक करती है और उस आदमी को मार देती है, ऐसा बताया गया है। इसलिए आज इतिहास में पहली बार यहाँ पे इस जगह पे इस जंगल के अंदर मैं करने जा रहा हूँ चित्रलेखा उर्फ खूनी वधू साधना। तो गाइज आप देख सकते हो ये महासाधना किस टाइप से की जाएगी। सबसे पहले आप ये देखो क्या है, ये चीजें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक पांच है गाइज, ये पांच तत्व, कौन से तत्व है ये आप जानते होंगे, इतना मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझदार हो। तो गाइज यहाँ पे इसी जगह पे बैठ के आज मैं गाइज साधना करने जा रहा हूँ। देखता हूँ उन मंत्रों के द्वारा खूनी वधू उर्फ चित्रलेखा को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाता। बुलाया गया यहाँ पे आ जाती है तो हम उसकी मुक्ति कराएंगे यहाँ पे इस जगह पे। और जो वो साधु ने शराब दिया था उससे आपको मिलना हो या उसको आप जानना चाहते हो वो कौन है, तो यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर पे उसकी जगह है, वहां पे मैं आपको लेके जाऊंगा। आज भी बताया जाता उस साधु की आत्मा वहां पे ही रहती है, उसी जगह पे आपको लेके जाऊंगा। सबसे पहले मैं साधना करूंगा, तो कैमरा मैन को कह रहा 2 मिनट वीडियो को पॉज कर दे। तो गाइज अग्नि को मैंने तेज किया है, इसमें कुछ ऐसे सामग्री डाले हैं क्योंकि गाइज अग्नि को तेज होना जरूरी होता है इस साधनाओं में, महा साधना है यार, कोई आम साधना नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपने जूतों को उतार देता हूँ और ये मेरे पास एक बोतल के अंदर गंगा जल है क्योंकि इससे कोई बुरी शक्ति, जैसे कि कोई भूत प्रेत हो यहाँ पे जंगल के अंदर, ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम पानी का ये एक घेरा बना देते गंगा जल से क्योंकि कोई भी ऐसी बुरी शक्ति मेरे पास ना पाए। अब ये गंगा जल था मेरे पास, इससे मैंने घेरा बना दिया। इससे सिर्फ ओनली फॉर जो मैं साधना कर रहा हूँ ना, जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ चित्रलेखा को, उसके तक मेरी आवाज जाए, बट और किसी तक मेरी आवाज ना जाए। तो गाइज आप देख सकते हो सारा कुछ तैयार है। अब मैं अपने जो इतर देवता उनको याद कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे चित्रलेखा को याद करने की कोशिश करूंगा और उनका उच्चारण करूंगा। तो गाइज मैंने अभी अपने जो इतर देवता है उनको याद किया, क्योंकि इतर देवताओं को याद करना बहुत जरूरी होता है इन कामों के लिए, उनको मैंने याद किया है। अब गाइज मैं यहाँ पे इस जगह यहाँ पे चित्रलेखा उर्फ खूनी वधू, जिसको आप खूनी वधू से ज्यादा जानते हो, उसकी साधना करने जा रहा हूं। भाई मुझे पता, भाई नाम मत बता।
इस साइड में देख ले। तो गाइस मैंने जिसकी साधना की है वो इस साइड में खड़ी है, आप देख सकते हो। और इस घेरे से मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस घेरे के अंदर रहूंगा तो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है इस घेरे से बाहर निकलने के बाद, और अंदर रहूंगा तो सेफ रहूंगा क्योंकि मैंने पूरा एक चक्करपुर बनाया हुआ है घेरे के अंदर रह के और गंगा जल का और छिड़का हुआ है। तो हम इनसे अपने बात करने की कोशिश करेंगे वास्तव में उस दिन हुआ क्या था और इन्होंने अपने आप को क्यों मारा था। आप कौन हो? आप चित्रलेखा हो क्या? ओ भाई आप चित्रलेखा हो क्या? ओ भाई भाई आवाज भाई भाई वो कुछ और भी कहना चाह रही है। आपकी जो आत्मा है आज ये दुल्हन के कपड़े में कैसे आई है गाइस? पहले तो ये आप देखो क्योंकि चित्रलेखा है। मुझे शराब मिला हुआ है गाइस, ये कहानी सच्ची है। इसको शराब मिला हुआ ये ही चित्रलेखा है क्योंकि इसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि उस साधु ने शराब दिया था क्योंकि चित्रलेखा को जो कि नया कपल होता है जो नई शादी करता है उसके अंदर जो उसकी वाइफ होती है ना उसके अंदर इसकी आत्मा प्रवेश करके उसके साथ संभोग करती है भाई, इसलिए इस ड्रेस में रहती है। ये ड्रेस में रहती है गाइस, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी है इसको मुक्ति दिला पाऊं, इनको मुक्ति दिला पाऊं और इनसे यही मैं साधना भाई साधना करके इसलिए मैंने यहाँ पे इनको बुलाया है। मैं आपकी मुक्ति कैसे करा सकता हूँ चित्रलेखा? ओ भाई 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 आपका जन्म तो पूर्णिमा की रात को हुआ था। बोल मत यार,